भारत में राष्ट्रीय शिक्षण नीति अमलीकरण 2020 में करवामां आव्युं अने त्यारे राष्ट्रीय शिक्षण नीतिना 3 वर्ष पूर्ण थया छे। गुजरात में 48 जेटली शालाओं में 48 लाख जेटला विद्यार्थीओ नवी राष्ट्रीय शिक्षण नीति मुजबनुं शिक्षण मेळवी रह्या छे अने केन्द्रीय विद्यालयनी प्राथमिकता विद्यार्थीना सर्वांगी विकासनी छे, जे राष्ट्रीय शिक्षण नीतिने कारणे शक्य बन्युं छे। त्यारे नवी शिक्षण नीतिना 3 वर्ष पूर्ण थवा पर धांगध्रा आर्मी कैम्पसनी केन्द्रीय विद्यालयमां पत्रकार परिषदनुं आयोजन करायुं हतुं, जेमां विद्यार्थीओमां रहेल कौशल्य बहार आवे ते स्कूल डेवलपमेंट थकी ते आगळ वधे ते माटे आ शिक्षण नीति मददरूप थई छे। छेल्लां 3 वर्षथी विद्यालयोमां पण आ खाते नवी राष्ट्रीय शिक्षण नीतिना अमलीकरणनी 3 वर्षनी सफळता अने शिक्षामां थयेलो फेरफारनी माहिती आપવામાં આવી હતી, જેમાં વિરમગામ કેન્દ્રીય વિદ્યાલયના પ્રિન્સિપાલ ડોક્ટર મમતાસિંહ ધાંગધરા, કેન્દ્રીય વિદ્યાલયના ઇન્ચાર્જ પ્રિન્સિપાલ સહિતનો સ્ટાફ પણ હાજર રહ્યો હતો। આજ કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ધાંગધરા મે નઈ શિક્ષા નીતિ સન 2020 કે 3 વર્ષ પૂર્ણ હોને પર એક કાર્યક્રમ રખા ગયા થા, જિસકે અંતર્ગત કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ધાંગધરા કે પ્રભારી પ્રાચાર્ય, आर्मी स्कूल की प्राचार्य और जवाहर नवोदय विद्यालय धांगध्रा की वाइस प्रिंसिपल आज यहां पर उपस्थित रही। इसी के साथ साथ यहां के पेरेंट्स, वीएमसी मेंबर्स और स्टूडेंट्स ने ये कार्यक्रम अटेंड किया और इस कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति के 2020 के पूर्ण 3 वर्ष पूर्ण होने पर विचार विमर्श किया गया और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। नई शिक्षा नीति सभी छात्रों के समग्र विकास के लिए एक उत्तम शिक्षा नीति है, क्योंकि इसके अंतर्गत भारतीयता को प्रधानता देते हुए भारत में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बौद्धिक और कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में निपुण भारत, बाल वाटिका जैसे वह पहलू जो पुरानी शिक्षा नीति में छूट गए थे, उन सभी को साथ में लेते हुए शिक्षा के द्वारा छात्रों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।